हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना संकट के दौरान जरूरत के सामानों की कमी ना हो इसलिए सरकार लगातार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जरूरत के सामान की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कदम उठाए जाएं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा है कि किसी तरह की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों को सही कीमत पर सामान मिले। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि लोग होर्डिंग कर रहे हैं, यानी सामान को इकट्ठा कर रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं, तो एक बड़ा कदम अगर राज्य सरकारों के साथ अब केंद्र सरकार चर्चा कर रही है इस विषय को लेकर। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को पत्र लिखा गया है, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जाए। यदि कोई भी इसेंशियल सामान, जो जरूरी सामान है, उसको बेचते समय ज्यादा पैसे वसूलता है या उसकी ब्लैक मार्केटिंग करता है, उसको स्टॉक करता है, तो उसके ऊपर ईसी एक्ट 1955 के तहत कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा सके। दरअसल इस कानून के तहत आप या तो 7 साल की सजा या फाइन या दोनों एक साथ कर सकते हैं। कानून का सख्ती से पालन हो, लोगों को सामान उपलब्ध हो और लोगों में जो जरूरी सामान उसकी कमी ना हो, इसके लिए गृह मंत्रालय इंश्योर कर रहा है कि राज्य पहल करें, राज्य इसे सख्ती से लागू कराएं। तो इसीलिए अजय कुमार भल्ला जो गृह सचिव हैं, उन्होंने राज्यों को पत्र लिखा है, उनके चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि ये जो कानून इसके तहत सख्ती से पालन किया जाए और लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे इस पूरी जानकारी के लिए।